और खबर मुरादाबाद से, मुंडापाड़े में दुष्कर्म के मामले में आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी, महिला ने एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। संवाददाता आलमवार से की रिपोर्ट। आपको बता दें, मुंडापाड़े क्षेत्र निवासी एक महिला शबनम ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र एसएसपी कार्यालय पर दर्ज कराया है। दर्ज शिकायती पत्र में महिला का आरोप है कि बीते दिनों उसके देवर रिजवान ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके संबंध में थाने पर एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस मामले में जानकारी देते हुए महिला ने बताया कि उसकी शादी एक साल पूर्व मुंडापाड़े थाना क्षेत्र निवासी युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि जब वह घर पर अकेली थी, उसके देवर ने बुरी नीयत से उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर मुंडापाड़े थाने पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है और वह खुलेआम घूम रहा है और लगातार समझौते का दबाव बनाने की धमकी भी दे रहा है, जिसके बाद महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम कहाँ रहती है? दोल्ले में। थाना कौन सा लगेगा? मुंडापाड़े। एसएसपी कार्यालय क्यों आई हो? जी, अपने रिजवान की कार्रवाई के लिए आई हूँ। रिजवान ने बलात्कार करा मेरा। कितना समय हो गया इस बात को? दिसंबर की 5 तारीख को। कहाँ की घटना आई है? सिरसखेड़े की। किस जगह की घटना है? सिरसखेड़े। मैं ससुराल में थी। मैं ससुराल में। शादी में कितना समय हो गया आपके? ऐसे हो गया 1.25 साल। थाने पे शिकायत की थी आपने? जी, की थी। क्या कार्रवाई हुई थाने से? कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी गिरफ्तार ना हो रही है। वो और कह रहा कि फैसला कल ले, फैसला ना करेगी तो तेरे भाइयों को जान से मार दूंगा। धमकी दे रहा मानने की। मुझे भी, मेरे भाइयों को भी, मैं भाइयों को मानने की धमकी दे रहा है, जान से मार दूंगा तेरे भाइयों को। शिकायत कहाँ पे की आपने? एसएसपी कार्यालय आई थी मैं। यही चाहती हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो, वो गिरफ्तार हो, उसे सजा मिले मुलजिम को। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।